हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो है क्षितिज की। सो सबसे पहले थैंक यू क्षितिज फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर तुम सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है देन ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तुम यहाँ पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो क्षितिज अपने घर पे अपनी बहन के साथ रहता था और साथ में उसकी मॉम रहती थी। वो पूरा परिवार 1 BHK में रहते थे एंड क्षितिज के जो डैड है वो CRPF में थे। सो वो छुट्टियों के टाइम आते थे, बाकी वो बाहर ही रहते थे। तो क्षितिज का जो घर था उसमें रहते थे क्षितिज, उसकी मॉम एंड उसकी छोटी सी प्यारी सी सिस्टर जो कि थोड़ी ज़्यादा छोटी थी, मतलब अभी वो 5-6 साल की होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो स्टोरी शुरू होती है जब क्षितिज की बहन का बर्थडे होता है। सो अब बहन का बर्थडे है तो सबको यू नो बहुत सेलिब्रेट करना है, सब बहुत खुश है, हर कोई गिफ्ट ला रहा है अपनी बहन के लिए, मतलब क्षितिज और उसके दोस्त वो सब यू नो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इस दिन क्या होता है कि सब गिफ्ट देते हैं, सब केक काटते हैं, पार्टी होती है, सब कुछ होता है। बट क्षितिज की बहन अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है क्योंकि वो नहीं आ पाते। बट क्षितिज के डैड क्या करते हैं कि वो तो नहीं आ पाते बट वो एक गिफ्ट भेज देते हैं अपनी बेटी के लिए, और गिफ्ट में होती है एक प्यारी सी डॉल, और वो बहुत प्यारी होती है, बहुत यू नो जो क्षितिज की बहन होती है उसे बहुत पसंद आती है वो डॉल। और वो बस उस डॉल को यू नो एक तो डैड की साइड से आया तो एक अलग ही स्पेशल बॉन्ड है उस डॉल के साथ, तो हमेशा उस डॉल के साथ खेलती रहेगी, हमेशा ऐसे लेके चलेगी, साथ रखेगी, साथ सोएगी। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और क्षितिज की बहन जो होती है वो उस डॉल के साथ ही खेलती रहती है, खेलती रहती है, खेलती रहती है। सो ऐसे ही एक रात को क्या होता है कि क्षितिज अपना सो रहा है और क्षितिज अपनी बहन के साथ सो रहा है और डॉल बाहर रखी हुई है, और क्षितिज की जैसे ऐसे आँख खुली है तो उसको ना कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है बाहर से जो आ रही है। क्षितिज ऐसे बाहर जाके देखता है तो वो डॉल ऐसे, मतलब वो वाली डॉल होती है जिसके बटन दबाओ तो वो बोलने लग जाती है, बटन बंद करो तो चुप हो जाती है, वैसी वाली डॉल होती है। तो वो डॉल बोल रही होती है मे बी बटन ऑन छोड़ दिया हो या कुछ हो गया। तो क्षितिज जाता है उसका बटन ऑफ करता है, डॉल चुप हो जाती है, तो आके फिर अपने रूम में आता है तो वो सो जाता है। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीतते हैं, फिर एक दिन क्षितिज की ऐसी आँख खुलती है और देखता है वो डॉल फिर से मतलब बोले जा रही है, बजे जा रही है। तो क्षितिज फिर जाता है, डॉल की बंद करता है और आके सो जाता है। तो अगले दिन क्षितिज क्या करता है, अपनी बहन को बोलता है कि बेटा है मतलब ऑन मत रखा करो, सेल वीक हो जाएंगे, डॉल ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, तो बंद कर दिया करो। तो बहन बोलती है मतलब मैं तो बंद ही करती हूँ। तो बोलते हैं अरे नहीं तुम नहीं करती, तुम्हें लगता होगा तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं अभी, तुम मज़े मज़े में ऑन करके आ जाती हो। तो ऐसे ऐसे करके बात, और अब जब होती है तो क्षितिज को बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उसने एक चीज़ नोटिस की होती है कि ये जब भी बजना चालू हुई है डॉल तब रात के 2 बज रहे हैं और करेक्ट उसी टाइम पे बज रही है वो डॉल, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। क्षितिज तीसरी बार उठता है, फिर जाता है, डॉल का बंद करता है और वापस आ जाता है। तो ठीक है, ये हो जाता है, क्षितिज सो जाता है। तो अगले दिन सुबह होती है, क्षितिज अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम क्या बोलते हैं क्या है ये सोने नहीं देते यार, नींद खराब करी हुई है पूरी। मॉम बोलती क्या हो गया सुबह सुबह इतना इरीटेट करें। तो क्षितिज बताता है कि वही आधी रात को 2 बजे डॉल बजना चालू हो जाती है, पता नहीं ये लड़की ऑन करके सो जाती है और वो बजती रहती है, फिर मैं जाके ऑफ़ करता हूँ। तो क्षितिज की मॉम कहती है क्या बात कर रहे हो, मतलब तुमने रात को डॉल बंद करी थी। तो क्षितिज कहता है हाँ वो बजे जा रही थी, मेरे सोना ही नहीं हो रहा था, क्या करूँ। तो मॉम बताती है क्षितिज की कि एक्चुअली कल तो बज रही थी, मैंने भी सुनी थी, बट बंद तो मैंने करी थी कल, मेरे को रात को 3 बजे डॉल की आवाज़ आ रही थी और फिर मैंने जाके देखा तो ऑन थी, तो मैंने बंद करा और मैं सो गई। क्षितिज बोलता है क्या बात कर रहे हो, 2 बजे तो मैंने बंद करी है डॉल। तो मॉम बोलती नहीं नहीं सही में मैंने 3 बजे करी है। तो ऐसे करते करते दोनों एक कंक्लूजन में आते हैं कि क्या सीन है ये, एक बार देखते हैं फिर वापस होता है तो हाँ ठीक है एक बार फिर देख लेंगे कोई बात नहीं। तो उस दिन फिर सो रहे होते हैं एंड फिर सेम 2 बजे डॉल बजना चालू, और इस टाइम मॉम और क्षितिज दोनों उठे हुए हैं। तो बोलते देखो यार ये वापस बजने लग गए डॉल, तो जाते हैं डॉल के पास, देखते हैं डॉल ऑन होता है, ऑफ़ करते हैं, आ जाते हैं। अब जैसे आ रहे हैं अभी सोने लग रहे हैं दोनों, और डॉल फिर बजना चालू हो जाती है, फिर डॉल से आवाज़ आना चालू हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अब इन दोनों को थोड़ा सा डर लगता है कि शिट ये क्या सीन है, अभी तो हम ऑफ़ करके आए थे
तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते चलो एक बार चल के देखते हैं, जाके देखते हैं। फिर वो डॉल बज रही होती है, फिर उसे ऑफ़ करते हैं और आ जाते हैं। आते हैं फिर सोने लगते हैं, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को देखते हैं थोड़ी। इस बार वो ऐसे नहीं कि ऑफ़ करी और नॉर्मली सो गए, इस बार आराम से ऑफ़ करा और रुके हैं कि वापस तो नहीं बजेगी, बट नहीं बजती डॉल, डॉल बंद हो गई होती है। तो फिर सो जाते हैं। तो अगले दिन क्षितिज क्या करता है ना, उस डॉल को लेके जाता है, बाहर जाता है और दिखाता है जो शॉप होती है, जो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती है, वहाँ जाके दिखाता है। तो पता चलता है कि डॉल में ख़राबी होती है, डॉल में ऐसी ख़राबी होती है कि वो हर 2 या 3 घंटे बाद खुद बजना चालू हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मतलब शॉपकीपर होता है वो पूरा सही वही करता है और फिर पैसे वैसे लेके बोलता है अब नहीं बजेगी, चिंता मत करो, ये खराबी थी इसमें, ये तार वार का थोड़ा सीन था। तो क्षितिज वो मतलब वो हंसता है कि यार बता हम फालतू का क्या क्या सोच रहे थे और असली में हुआ तो ये। तो ठीक है, क्षितिज वो डॉल लेके आता है, फिर अपनी बहन को दे देता है और बहन फिर उससे खेलती है, वो मॉम को बताता है, दोनों ऐसे ही हंस रहे होते हैं कि पता करके। एंड ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं। फिर और एक दिन क्या होता है कि क्षितिज पानी के लिए उठा है, मतलब उसे प्यास लगी है रात को, वो उठा है, गया हॉल में, गया फ्रिज खोला, फ्रिज से पानी निकाला, जस्ट पीने लग रहा है और फिर वो डॉल बजना चालू हो गई है अचानक से, और ये क्षितिज को सुनाई देता है। और क्षितिज अब वो डर चुका है, अब ऐसा हो गया कि शेट भाई ये वापस क्या सीन है। वो पानी पी रहा होता है, पानी को लेता है, भगता अपने रूम में जाता है और फिर वहाँ मतलब यू नो सोने की कोशिश करता है। और अब वो डॉल डॉल जो है वो बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है, और क्षितिज कुछ नहीं करता इस दिन। तो फिर सुबह होती है, क्षितिज जाके देखता है, डॉल फिर ठीक होती है, कुछ नहीं होता उसको। तो अब क्षितिज का थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है और उसे अब डर भी लग रहा है कि यार ये क्या सीन है ये, क्योंकि डॉल से यू नो रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज ऐसे फैल चुकी है ऑलरेडी इस दुनिया में कि अब तो गुड़िया देख के डर लगता ही है। तो क्षितिज को भी सबसे पहले वही चीज़ें याद आती है सारी कि यार हाँ ये सीन कुछ गलत सा लग रहा है मुझे। तो क्षितिज मम्मी को बताता है, मम्मी यार ये डॉल में दिक्कत तो है कुछ, क्योंकि ये कल भी बजी थी और अभी तो मैं सही करा के लाया हूँ, तो और ये तभी क्यों बज रही है जब मैं उठ जा रहा हूँ, मैं पानी पीने गया उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी, तो ये इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। तो मॉम भी बोलते हैं कि पता नहीं यार अब तुम बोल रहे हो तो ठीक है, होगा कुछ, अब क्या करें। तो फिर ये ऐसे टाल देते हैं कि चलो क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं गुड़िया तो है बचती रहे हमें क्या है। तो ऐसे करके लोग बात को टाल देते हैं। एंड अब वहाँ पे और चीज़ें थोड़ी होने लग गई है, जैसे कि क्षितिज को अब ना अपने घर में थोड़ी अजीब अजीब सी वाइब्स आने लग गई है, थोड़ी नेगेटिव सी वाइब्स जैसे आती है ना, कि मतलब वाइब इन द सेंस कि उसके दिमाग में ना बहुत नेगेटिव चीज़ें आने लग गई है, वो काफ़ी नेगेटिव सोचने लग गया है। लाइक होता है ना कि तुम जस्ट कभी कभी होता है कि तुम बैठे हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम नॉर्मली बैठे हो और तुम्हें ऐसा अजीब सा लगने लग जाता है कि यार आखिर हो क्या रहा है यार, मतलब जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, मतलब अजीब सी एक फीलिंग नहीं आती कि जब तुम्हारे दिमाग में हर चीज़ नेगेटिव ही चल रही हो, तुम मतलब सोचने की कोशिश करो कि नहीं यार मेरी लाइफ में तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिविटी भर रही है कि और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्यों रहा है। तो ऐसा कुछ क्षितिज के साथ हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे बाहर यू नो हवा लेने के लिए जाता है, तो वो एक चीज़ देखता है जिससे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो देखता है कि जो उसकी बहन होती है वो बात कर रही है किसी से, बट वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है और उसकी बहन बात कर रही है। मतलब एक होता है तुम आपस में बात कर रहे हो कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसे, बट जो उसकी बहन है वो लिटरली बात कर रही है, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ रही है और ऐसा लग रहा है कि सामने वाला भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और उसकी बहन उसके आंसर्स दे रही है। और जब वो ये चीज़ देखता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्षितिज का कि शेट ये मेरे बहन क्या कर रही है। तो उससे पूछता है क्या कर रही है तू, बोलते कुछ नहीं ऐसे ही खेल रही हूँ। तो वो बोलते है किसके साथ, तो बोलते अपने साथ, क्या अभी यार खेलने दो मुझे, ऐसे कर देती है। और क्षितिज को ना उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उसकी बहन बहुत प्यारी सी क्यूट सी है, तो कभी ऐसा नहीं बोलते कि कुछ नहीं यार खेलने दो, ऐसा कभी नहीं बोलेगी वो। तो क्षितिज को अजीब सा लगता है, वो फिर अंदर आता है और वो मम्मी को बताता है कि मम्मी अपना चीज़ें ऐसी ऐसी होने लग रही है कि, तो मम्मी भी बड़ी सीरियस लेती है कि यार ये तो भाई गुड़िया को हमारी जो छोटी बेटी है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। तो वो क्या करती है क्षितिज की मॉम की नानी जो होती है ना,
क्षितिज की नानी बनारस से है, तो बनारस में ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉमन है, मतलब कॉमन इन द सेंस कि जो वहाँ पे ना बूढ़े बुजुर्ग है जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है। तो वो नानी को बताती है क्षितिज की मॉम कि ये सब हो रहा है, तो नानी जी बोलते हैं कि कोई नहीं मैं आती हूँ एक बार देखते हैं। तो नानी जी भी आती है, वो भी ये सारी चीज़ें फील करती है, तो बोलती है हाँ भाई दिक्कत तो मुझे भी लग रही है थोड़ी बहुत है। तो अब क्या होता है कि साथ साथ में क्षितिज के डैड की भी छुट्टियां पड़ गई होती है, तो वो भी अब आ गए होते हैं वापस घर पे। तो जब वो आते हैं, क्षितिज ना डैड को ही बताता है कि आपने जो डॉल भेजी थी उसमें तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है। तो क्षितिज के डैड बोलते हैं नहीं, क्या बात कर रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़े मानते नहीं थे इन सब में, तो वो बोलते नहीं, ऐसा है, सही में ऐसा हो रहा है। तो क्षितिज के डैड को जब ये मतलब बार बार बताते हैं, मॉम भी बताती है, नानी बोलती है, तो वो भी मान जाते हैं कि अच्छा मतलब अगर तुम सब कह रहे हो तो ऑब्वियसली तुम गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, तो क्या किया जाए। तो क्षितिज के जो नानी होती है वो बोलती है कि हमारे गांव में एक है पंडित जी है, मैं जानती हूँ, तो उसको दिखा देते हैं एक बार। तो बोलते हैं ठीक है दिखाते हैं, लेकिन अब एकदम से प्लान नहीं बन सकता ना कि तुम एकदम से, तो बोलते हैं ठीक है थोड़े दिनों में दिखाते हैं करते हैं। तो क्योंकि अभी जो क्षितिज ने बताया था कि बहन के साथ हो रहा है, वो सिर्फ क्षितिज ने देखा, किसी ने और ने नहीं देखा। तो एक ना मन में था कि नहीं यार है भी नहीं भी जो बाकी सब थे उनके मन में। तो बोलते ठीक है हम दिखाते हैं घर एक बार, देखते हैं कि क्या सीन है, जब ज़्यादा होगा तो दिखा देंगे। ठीक है भाई। तो ऐसे करते करते एक दो दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल चल रहा होता है, और क्षितिज फिर ऐसे नॉर्मल अपना जा रहा होता है। तो देखते हैं फिर उसकी बहन किसी और के साथ ही मतलब बातें बातें कर रही है, और बहन का ना बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा चेंज होने लग गया है, और जो कि अब सबको दिख रहा है। तो क्षितिज को बड़ा गुस्सा आता है। तो ये सब क्या करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब चीज़ें पैक करते हैं और चलते हैं वापस बनारस। और बनारस में जाके जो मतलब नानी जी ने जो पंडित बताया होता है उसके पास जाते हैं, उसे पूरी पूरी सिचुएशन बताते हैं कि एक डॉल है और उसकी वजह से मतलब हमारी लड़की पे इफेक्ट पड़ रहा है ये सब, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, तुम गुड़िया को लेकर आओ, मतलब उस लड़की को लेकर आओ, और उसके साथ एक गार्डियन चाहिए कोई एक। तो बोलते ठीक है, तो वो बच्ची जाती है और उसके साथ उसकी नानी जाती है, क्योंकि एक ही गार्डियन लाना था। तो नानी जी अंदर जाती है, तो नानी जी और वो बच्ची जाते हैं पंडित जी के पास। तो पंडित जी वही मतलब नानी जी तो थोड़ी दूर खड़ी है, बच्ची को पास बुलाते हैं और उससे कुछ तो मंत्र में बातें बातें करते हैं जो कि नानी जी को समझ नहीं आता, बट कुछ करते हैं। और एंडिंग में फिर उसके हाथ में रुद्राक्ष का एक जो होता है ना रुद्राक्ष, वो बांध देते हैं और नानी को बोलते हैं कि ये कभी निकालना मत, जब तक ये नहीं निकलेगा सब सही है। तो बोलते ठीक है नहीं निकालेंगे। तो ऐसे करके चले जाते हैं, अब घर वापस आ गए, और अब लड़की जो होती है वो छोटी सी बच्ची वो एकदम ठीक हो गई है, अब एकदम सही हो गया। बट कहीं ना उसको ऐसा हो गया कि मेरे से मेरी डॉल छीन ली, जैसे बच्चों के अंदर होता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी इरिटेशन होती है कि मेरी डॉल नहीं है मेरी डॉल नहीं, और इस गुस्से में वो क्या करती है, उस रुद्राक्ष को तोड़ देती है। जैसे वो रुद्राक्ष को तोड़ती है, मतलब ये चीज़ रात को होती है और वो ना अकेले में करती है, मतलब ये जब वो तोड़ती है तो सब किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता, तो वो रुद्राक्ष टूट चुका है, सब अपना सो रहे हैं, और एकदम से वापस से डॉल की आवाज़ आती है सबको सबको, क्षितिज को, क्षितिज के मॉम को, क्षितिज के डैड को, और क्षितिज की बहन को भी। और वो डॉल की जब आवाज़ आती है ना, वो हॉल से आती है, सब उठते हैं, सब डर चुके हैं कि ये एकदम से क्या हो गया, एकदम से वापस से ये आवाज़ क्यों आ रही है। जब तक ये कोई रिस्पॉन्स करे, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्षितिज की बहन दौड़ते हुए जाती है उस डॉल के पास, वो एकदम खुश हो जाती है, जैसे कि कोई बहुत बहुत यू नो दिल के करीब जो दोस्त होता है वो चला जाता है तुमसे, फिर एकदम से आता है सरप्राइज करते हुए, तो तुम भगते हुए जाते हो उसके पास, वो बस वैसे जाती है कि अरे वाह ऐसे करते हुए, और फिर उससे बड़े यू नो ऐसे गोदी में ले लेती है, उसके साथ खेलने लग जाती है, बहुत खुश हो जाती है, और ये सब ध्यान देते हैं। तो क्षितिज की बहन के हाथ में रुद्राक्ष नहीं होता, तो ये सब समझ जाते हैं कि शेट मतलब अब रुद्राक्ष नहीं है तो ये वापस आ चुकी है। और अब क्या होता है ना, अब चीज़ें यहाँ से वर्स्ट होना चालू हो जाती है, क्षितिज को बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ों से, तो वो छीनता है डॉल छीनता है और फेंक देता है उसे बाहर, बैटरी वैटरी निकाल के तोड़ देता है पूरा। क्षितिज की बहन रोती है कि क्या करा तूने, तुमने ये क्यों किया, ऐसा ये वो। क्षितिज ने फेंक दिया, तो अब सबको लगा ठीक है अब डॉल तो चले गई, तो ओके कोई बात नहीं, अब बच्ची रो रही है उसे चुप कराते हैं, कोई नहीं बेटा कोई नहीं, नहीं ला देंगे कोई बात नहीं, तो सो जाओ।
तो सोने लग रही है, और अगले दिन क्या होता है, सब उठते हैं, क्षितिज की बहन सोई हुई है, तो मम्मी जाती है उसे, बेटा उठो बेटा उठो, सुबह हो गई। और वो एकदम ऐसे गुस्से में देखती है कि मुझे मुझे तंग मत करो, ऐसे बोलती है। ये सब थोड़ा मतलब डर जाता है कि यार इसे क्या हुआ एकदम से, ये इतनी प्यारी सी लड़की आज तक जो कि उल्टा जवाब ना दे, ये एकदम ऐसा बोल रही है मुझे तंग मत करो गुस्से में। तो ये सब डर जाते हैं बहुत कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, कल इसकी डॉल टूटी है तो शायद उसका गुस्सा होगा, कोई नहीं उतर जाएगा। ऐसे करके दिन हो गया और वो अभी तक वहाँ सोई हुई है। अब ना क्षितिज नोटिस करता है कि उसकी बहन जब उठती है, अब वो किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप जा रही है, पानी पी रही है, खाना खा रही है, आ रही है। इससे तुम कितना भी बात कर लो कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कुछ भी पूछ लो, कोई आंसर नहीं, बस देखेगी चले जाएगी। और ये चीज़ें पूरे घर वालों को अजीब सी लगती है। पहले उन्हें शुरू शुरू में लगता है कि शायद वो रूठी है हमसे और उसे हर्ट हुआ है कि अच्छा उसकी डॉल हमने तोड़ दी तो इसलिए ऐसा कर रही है। बट जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है तो इन सबको भी अजीब सा लगने लग जाता है कि यार ऐसा भी क्या हो गया कि इतना रिएक्शन। तो अब ना रात हो गई है वापस और सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ना आवाज़ सुनाई देती है किसी के रोने की, कोई जैसे कि रो रहा हो। और ये सब ना हॉल में बैठे हुए हैं, मतलब अभी सोने की तैयारी हो रही है बट हॉल में बैठे हुए हैं, बातें बातें कर रहे थे कि और ऐसा है कि चलो अब सोते हैं। तो सब बस उठ रहे हैं कि इन्हें किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो ये अंदर जाके देखते हैं कौन है, तो पूरी रजाई ऐसे ओढ़ी हुई है मतलब ऊपर से, और रजाई के अंदर ऐसे बैठ के रो रही है उसकी बहन। तो बोलते क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तो कुछ नहीं बताती, वो बस रो रही है रो रही है। और पूरी रजाई ऐसे, तो क्षितिज क्या करता है पूरी रजाई ऐसे हटा देता है, पूरी रजाई ऐसे करके जब वो हटाता है वो रजाई, तो रजाई के अंदर जो क्षितिज देखता है वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस सी चीज़ होती है, वो कभी नहीं भूल सकता क्षितिज, ऐसा उसका बोलना है। क्योंकि जब वो रजाई हटाता है तो वो देखता है कि जो उसकी बहन होती है उसकी पूरी यू नो डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, बाल पूरे ऐसे खुल चुके हैं, उसकी आँखों से लिटरली खून निकल रहा है, लिटरली खून निकल रहा है। और वह ऐसे देख के इन सब के रो रही है, उसकी आँखें एकदम लाल हो चुकी है। और इन सबको बहुत डर लग जाता है वो देख के कि इसे क्या हो गया एकदम से। तो नानी जी उठाती है उसको, बोलती चलो अभी। उसी टाइम वो वहाँ पे जाते हैं पंडित के पास, उसे पंडित को जगाते हैं कि पंडित जी पंडित जी। वो बाहर आते हैं तो बोलते ये देखो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, और वो रो रही है रो रही है रो रही है, उसे रोते हुए लिटरली उठा के गए। और पंडित जी बोलता है कि शेट ओके, तो पूछता है रुद्राक्ष, तो बताते हैं कि रुद्राक्ष तो पंडित जी को क्या बोलते हैं नहीं है, टूट गया वो। तो पंडित जी बोलते हैं कि अब जो ये ताकत है ना ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, बट मेरे जो डैड है, पंडित जी के जो डैड होते हैं वो उनसे भी बड़े पंडित होते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे जो पापा है उन्हीं के से उन्हीं से हमें कराना पड़ेगा जो कराना पड़ेगा। तो सब बोलते हैं कि चलो आप अभी अभी बताओ क्योंकि मुझे हमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हम अभी चलने को रेडी है। तो सब पंडित जी बोलते हैं कि चलो, तो वो जाते हैं, वो अपने पापा को बोलते हैं कि उन्हें पूरा केस समझाते हैं पंडित जी कि ऐसा ऐसा सीन है। तो जो पंडित जी के डैड होते हैं बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया, तो एक काम करो तुम इसे यहाँ छोड़ो, तुम सब बाहर जाओ। तो एक रूम में सिर्फ वो पंडित जी के डैड है और वो जो उनकी बेटी है वो है, सब के सब बाहर चले गए, ताला लग चुका है। इवन जो दूसरे पंडित जी होते हैं वो भी बाहर चले गए, सब बाहर खड़े। और सबको ना अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि जैसे पहले तो वो लड़की चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से कि नहीं नहीं छोड़ो ऐसे ऐसे करके, और ये आवाज़ ना धीरे धीरे कन्वर्ट होके एक अजीब सी आवाज़ बन चुकी है, जैसे कि अब वो लड़की की आवाज़ नहीं हो किसी और की आवाज़ है जो कि चिल्ला रहे हैं, मतलब सेम चीज़ बोल रहे हैं सेम टोन से चिल्ला रहे हैं, बट बस जो वो आवाज़ है वो बदल गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही चिल्ला रहा है। और वो ऐसे बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल रहे हैं। और इन्हें ये क्षितिज को मतलब बाहर से सुनाई दे रहा है। तो ये जो पूरा सीन है ये चलता है कम से कम 2 या 3 घंटे चलता है पूरा, कि आवाज़ आना रोना ये सब। बाहर भी मतलब क्षितिज की मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि भाई क्या ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन क्षितिज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट 2-3 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो सब अंदर जाते हैं, देखते हैं तो वो ऐसे बेहोश पड़ी होती है जो लड़की होती है। और जब वो बेहोश पड़ी होती है तो सब पूछते हैं कि क्या हुआ इसे, तो बताते हैं कि इसके ऊपर एक जो आत्मा थी वो हावी हो चुकी थी,
मतलब कि ऐसा सीन था कि उस आत्मा को इस लड़की से लगाव हो गया था, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी, और जब हमने आत्मा को अलग किया तो लड़की में वो इफेक्ट आने लग गए, और जब उसका रुद्राक्ष टूटा तो वापस मिले, एंड इतने मतलब ऐसे हो गए कि अब हम कभी नहीं छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे टाइप से, वो एक ही शरीर में आ गए थे दोनों। तो कुछ ऐसा सीन था जिसकी वजह से फिर वो अब पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था, क्योंकि उस आत्मा ने ओवरटेक कर लिया था बॉडी पे। तो बट अब क्या हुआ है कि अब मैंने, वो पंडित जी बताते हैं कि अब मैंने ठीक कर दिया सब कुछ, तो वो आत्मा तंग नहीं करेगी इसको, और आप भी ध्यान रखना थोड़ा, मतलब केयर करना अच्छे से अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बेचारी अभी थोड़ी वीक है और अभी इतना सब सहा है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। तो उस क्षितिज और उसके मॉम डैड कहते हैं जी पंडित जी बिल्कुल, हम पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये करके वो क्षितिज और उसके मॉम डैड बेटी को ले जाते अपने साथ, और उसके बाद क्षितिज का कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम सही है, बढ़िया है। बट आज भी मतलब क्षितिज जब ऐसा सो रहा होता है तो उसके आंखें बंद करने पे वो डॉल दिख जाती है, कान पे कुछ भी नहीं है बट कान में वो चीज़ें सुनाई देने लग जाती है, जो आवाज़ है डॉल की वो इतनी क्रीपी आवाज़ थी कि वो आज भी मतलब उसे सुनाई दे रही है। इनफैक्ट उसने लिखा था कि जब वो मुझे पूरी स्टोरी बता रहे थे तब भी वो चीज़ें सुनाई दे रही थी। सो ये काफ़ी टेरिफाइंग और मतलब अजीब सी, मुझे मुझे डॉल वाले किस्से बड़े अजीब से लगते हैं सुनने में। ये उन अजीब किस्सों में से एक किस्सा था, एंड आई नो तुम सबके पास भी बहुत सारे किस्से हैं, तो तुम आके मुझसे वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, राइट? तो आओ यार जल्दी आओ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम वो सब चीज़ मिस नहीं करना चाहते हो। अगर तुम्हें हॉरर कंटेंट पसंद है, अगर तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग, जो जैसे मैं स्टोरी तुम सबको बताता हूँ, वो पसंद है, तो तुम्हें आना चाहिए और देखना चाहिए एक बार। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, एंड फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।